मोनालिसा ये पेंटिंग लोगों के दिलों में राज करती है। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इस खूबसूरत पेंटिंग के बारे में ना जानता हो। ये पेंटिंग जितनी खूबसूरत है उतनी रहस्यमयी भी है और आज ये इस दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी एक वजह है ये पेंटिंग में दिखने वाली महिला। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि ये पेंटिंग में दिखने वाली महिला कौन है, पर वो मिलने वाले जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस, आधा ज्ञान अज्ञानता से भी ज्यादा खराब होता है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं इस पेंटिंग में दिखने वाली इस लेडी का वो इज सवाल को डिकोड करने वाला हूँ। आपके सामने इस पेंटिंग पर रिसर्च किए गए उस डेटा को भी रखूंगा जिसको आपसे छिपाया जाता है। इस पेंटिंग पर हर एक फिलोसफर ने अपने अपने पर्सपेक्टिव विजन को रखा है। कोई इसे इटली में फ्लोरेंस शहर के एक व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ लीजा डेल जियोकोंडो की तस्वीर बताता है, तो कोई इसे लियोनार्डो द विंची का ही सेल्फ पोर्ट्रेट बताता है। मतलब लियोनार्डो द विंची ने ही अपनी तस्वीर को एक महिला के रूप में प्रदर्शित किया है। कोई इसे एक डेविल की तस्वीर बताता है, तो कोई इसे लियोनार्डो के सीक्रेट लवर का पोर्ट्रेट बताता है। पर सच क्या है, इसे जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, 16 सेंचुरी की शुरुआत में। मोनालिसा इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 से 1517 तक बनाया था, जिसके बाद उनका एक हाथ पैरालाइज्ड हो गया और फिर उनकी डेथ हो गई। इस पेंटिंग के बारे में पहली जानकारी लियोनार्डो दा विंची के स्टूडेंट सलाई के निजी पत्रों से आती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1524 में उनके पास ला जियोकोंडा नाम का एक पोर्ट्रेट था, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने उसे वसीयत के तौर पर दिया था, पर उसमें मोनालिसा का कहीं पर नाम भी नहीं आता है। मोनालिसा ये वर्ड सर्वप्रथम लियोनार्डो की बायोग्राफी में देखने को मिलता है, जिसको 16 सेंचुरी के एक राइटर जियोर्जियो वसारी ने 1550 में लिखा था। उन्होंने लिखा है कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ मोनालिसा की एक पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई थी। इटालियन भाषा में मोना का मतलब होता है मैडम या माई लेडी, तो यहाँ पर वसारी के कहने का मतलब ये है कि लियोनार्डो दा विंची ने फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ मैडम लिसा की पेंटिंग बनाई थी। पर बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वसारी ने विंची की बायोग्राफी 31 साल बाद लिखी थी, तो हो सकता है कि उनके पास इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ना हो, जिससे जस्ट एक्यूरेट ये नहीं कहा जा सकता कि मोनालिसा ही ला जियोकोंडा है। पर 2005 में स्कॉलर्स को जर्मनी की हीडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में एंशियंट रोमन फिलोसफर सिसरो की बुक में एक हैंड रिटन मार्जिन नोट मिला, जिसे एगोस्टिनो वेस्पुची द्वारा लिखा गया था। एगोस्टिनो इसमें लियोनार्डो को एंशियंट ग्रीस पेंटर एपेलिस से सिंबलाइज करते हैं। इस बुक मार्जिन नोट में एगोस्टिनो ने लिखा है कि लियोनार्डो दा विंची 1503 में लीजा डेल जियोकोंडो की पेंटिंग पर काम कर रहे थे। सो यहाँ पर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ लीजा डेल जियोकोंडो ही मोनालिसा हैं। पर पेरिस के लूवर म्यूजियम में रखी ये पेंटिंग, जिसे हम इतने सालों से मोनालिसा मानते आए हैं, क्या यही असली मोनालिसा है? तो नहीं। जी हाँ, इतने सालों से इस पेंटिंग में दिखने वाली ये महिला जिसे हम मोनालिसा मानते आए हैं, वो रियल मोनालिसा नहीं है। ये सुनने में आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि लीसा डेल जियोकोंडो ही मोनालिसा हैं और लियोनार्डो ने इन्हीं की तस्वीर बनाई थी। तो जो मैं ये कह रहा हूँ वो बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे एक इंसान की 15 साल की रिसर्च है। पास्कल कोटे एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे,
2004 में लूवर म्यूजियम ने इनको मोनालिसा पेंटिंग का एक हाई रेजुलेशन मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा से फोटोग्राफिक स्कैन करने का अपॉइंटमेंट दिया। इन्होंने 15 साल तक इस पेंटिंग पर स्टडी की और 1600 से भी ज्यादा लेयर एम्पलीफिकेशन मेथड से फोटोग्राफिक स्कैन किए। इस फोटोग्राफिक स्कैन से पास्कल कोटे को इस पेंटिंग के नीचे एक अलग ही चेहरा मिला जो कुछ ऐसा दिखता था। पास्कल कोटे इस चेहरे की एक डिजिटल इमेज तैयार करने में सफल रहे जो ये थी। अब हम कुछ थोड़ा पीछे हिस्ट्री में चलते हैं। जब लियोनार्डो इस पेंटिंग को बना रहे थे, साल 1503 में लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया और 1504 में राफेल, जो उस टाइम के एक यूथ गुड पेंटर थे, लियोनार्डो के स्टूडियो का दौरा करते हैं जहां लियोनार्डो ये पेंटिंग बना रहे थे, उनसे कुछ सीखते हैं और साथ ही उस पेंटिंग का ये स्क्रेच भी ड्रॉ करते हैं, मतलब लीजा जियोकांडो यानी मोनालिसा जिसका चित्र लियोनार्डो दा विंची बना रहे थे, उसी का ये स्क्रेच राफेल ने बनाया था। अब हम फिर से कोटे की रिसर्च पर आते हैं। ये डिजिटल इमेज जिसको कोटे ने इससे क्रिएट किया था और ये जिसे हम वर्षों से देखते आ रहे हैं, तो अब आप बताओ राफेल का ये स्क्रेच किससे मैच होता है? तो ऑब्वियसली इससे। अब जरा एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो। लीजा डेल जियोकोंडो, इनका जन्म 15 जून 1479 को फ्लोरेंस में हुआ था और लियोनार्डो इनकी पेंटिंग 1503 में बना रहे थे, मतलब 1503 में इनकी उम्र 24 साल थी। अब आपको इन दोनों पेंटिंग में 24 साल की महिला कौन लग रही है? तो ऑफिशियली ये वाली। अब यहाँ से एक रिसर्च बेस्ड थ्योरी बनती है कि लियोनार्डो ने लीजा डेल जियोकोंडो की पेंटिंग बनाई तो, पर वो किसी रीजन के चलते फ्रांसेस्को के पास नहीं पहुंची। आप विकिपीडिया के पेज पर ये देख सकते हो कि लियोनार्डो ने इस पर 1503 से 1506 तक रेगुलर काम किया और फिर बाद में इस पर 1517 तक ओकेजनली काम करते रहे, मतलब 1506 तक उन्होंने लीजा डेल जियोकोंडो की पेंटिंग बनाई पर बाद में उन्होंने इसी पर एक इमेजिनरी पेंटिंग बनाई, मतलब एक काल्पनिक पेंटिंग बनाई, मतलब उसको सोचा और अपने माइंड में इमेजिन किया और फिर उसको बनाया और वो पेंटिंग थी ये जिसे हम सालों से देखते आ रहे हैं, एक इमेजिनरी काल्पनिक पेंटिंग मोनालिसा। सो दैट वाज द मिस्ट्री ऑफ दिस पेंटिंग। पर लियोनार्डो ने इमेजिन करके इस पेंटिंग में ये किसको बनाया होगा, ये भी एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। इस सवाल का जवाब तो दोस्तों किसी के पास नहीं है, पर हाँ हम लियोनार्डो की लाइफ में जाकर डीपली गेस जरूर कर सकते हैं। लियोनार्डो अपने पिता की एक नाजायज औलाद थे और उनकी माँ उनको बचपन से ही छोड़कर चली गई थी, जिससे उनको अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। इसके अलावा अगर आप लियोनार्डो की अधिकांश पेंटिंग को देखोगे तो उसमें एक मदरली एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। हर एक माँ अपने बच्चे को देख रही है, पर इस पेंटिंग में ये औरत इस तरह देख रही है जैसे इसको बनाने वाला ही इसका बेटा हो, मतलब लियोनार्डो दा विंची। तो आप इस बात पर कितना एग्री करते हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हो इस पेंटिंग के बारे में ये भी बताएं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने एक अच्छी रिसर्च आपके सामने रखी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही शेयर करो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हो, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 में। गुड बाय।